अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, शाम के 4:30 बजे तो कशिर खबरनामा हेत साहिल अमीन तुहंदिस खिदमतस मंज हाजिर तो पेश खबरन हुन तफसील। पार्लियामेंट सेशनस दौरान ये दशवनी ऐवान मंज हिजब इक्तदार मेंबरो तरफ नारेबाजी करित ऐवानस मांग करने ची वान राहुल गांधी सिंह तरफ बिरून मुल्क दिन आमतस बयानस हवाल गच राहुल गांधी ऐवानस मंज ये लूकन माफी मांगुन तचो हिजब इख्तलाफ लीडरो तरफ आज पार्लियामेंट के सहनस मंज ये एहजाज करना आमुत। ये दौरान एहजाजस में शामिल हिजब इख्तलाफ मेंबर मरकजी सरकार खिलाफ नारेबाजी करान ये जन एहजाजस में शामिल हिजब इख्तलाफ मेंबरो तरफ मांग करना अडवानी मामल हवाल गच वजीर अजम सिंह तरफ ऐवानस मंज ये सफाई पेश कर। आल जम्मू कश्मीर आल पार्टी वफदन ये आज फारूक अब्दुल्ला सिंदिस कयादतस मंज नई दिल्ली अंदर हिजब इख्तलाफ लीडरन सहित मुलाकात कोर। यह दौरान कईयान मामलन हवाले कथन दल दिन आव तच आल पार्टी लीडरन हिंद वफदन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जिम्मेदारन सहित मुलाकात कोरमुत। यह दौरान जम्मू कश्मीर मंज असेंबली इंतखाब अमले मंज अन्नस हवाले अख मेमोरेंडम ते पेश करना आव ये जन मीटिंग पत डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जरा इब्लाग के नुमाइंदन सहित कथ करान वोन कदबात खुशगवार माहौल मंज आंद वचम तो इलेक्शन कमीशन तरफ तिम जम्मू कश्मीर मंज इंतखाब जल्दी अमले मंज अन्नस हवाले ते यकीन दहनी करने आमत। ताहम चुन फारूक अब्दुल्ला कथि वाश कोडमुत असेंबली इंतखाब अमले मंज अन्नस हवाले छा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तरफ यकीन दहनी करने आमत किन पंचायती इंतखाब अमले मंज अन्नुक इशार छ दिन आमत। That the strongest possible on that day abrogation was being carried or required. Unke saath bahut achhi meeting hui, unne bahut achhi tarah se hame suna sabko ki hum chahte hain ki wahan jald se jald democratic process shuru ho, election ho. Humne unke samne rakha hai ki delimitation bhi ho gayi hai, sari constituencies ki boundaries bhi bana di gayi hain, to ab rukna nahi chahiye. हमने माना कि सर्दियां हो गई, नवंबर में सब प्रोसेस हमने खुद कहा पूरी हो गई थी, मगर क्योंकि सर्दी का मौसम था इसलिए ये डिले हो गया, मगर वो जल्द से जल्द ये करेंगे कि इलेक्शन वहां होना चाहिए और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहां आनी चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आपको कहने की जरूरत नहीं है, ये खुद मैंने इनसे भी कहा कि जब सरकार भी कह रही है, सब मेंबर्स ने कहा जब सरकार ये कह रही है कि सब वहाँ ठीक है और G20 की मीटिंग भी हो रही है तो इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। इनने कहा साहब हम बहुत जल्दी इसकी तरफ तवज्जो देंगे और वहाँ इलेक्शन करने की शुरू करेंगे। सर, महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जो भारत के हालात हैं वो पाकिस्तान से बेहतर नहीं है और यहाँ पे भी अपोजिशन। देखिए, आप महबूबा का मामला नहीं है, यहाँ इलेक्शन कमीशन का मामला है, ये मामला फिर कभी उठाएंगे। क्या सरकार से मिलेंगे, क्या पीएम से आप मिलेंगे, क्या पीएम से आप मिलने जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज है इलेक्शन कमीशन से मिलना। इसके मालिक प्राइम मिनिस्टर नहीं है, होम मिनिस्टर नहीं है, इसके मालिक इलेक्शन कमीशन है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन डिसाइड्स इलेक्शन कब होना चाहिए। हमने ये नहीं कहा कि किसके साथ चुनाव कराना चाहिए, हमने उनसे गुजारिश किया कि चुनाव कराए जाए, बस हमें ऐसे कोई हमने नहीं कहा। हमने कहा जितनी जल्दी हो सके वो करिए कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस वहां शुरू हो सके और लोगों की मुश्किलें दूर हो सके। यकीन दहानी है, उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल इसी तरफ देख रहे हैं और बहुत जल्द से जल्द इसका हम लोग संविधान करें। देखिए, वे दोनों चीजें इकट्ठी हैं, कुछ चीज अलग नहीं है। कभी आपने सुना है किसी स्टेट को यूटी बनाना? हमारी बदनसीबी है, बदकिस्मती है कि कॉन्स्टिट्यूशन होने के बावजूद भी एक रियासत को आप यूटी बना रहे हैं। हमने तो सुना था कि यूटी को स्टेट बनाया जाता है, ये पहली दफा हिस्ट्री में है कि एक स्टेट को जो क्राउन ऑफ इंडिया है उसको आप यूटी बनाए। ट्रांसशिपियंस में आज डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी तरफ कन्वेंशन सांझ करना आमुत ये पार्टी सरबराह गुलाम नबी आजाद अलव दो लीडरों तो वर्करों शिरकत कर अत मौक पे ये पार्टी मामलन तो मौजूद सूरत हाल हवाले कथन दल दिन आव तच वर्करन पे जोर दिन आमुत तुम गलक पार्टी मजीद मजबूत बनाने बाप चुकसान कम कर ज्यादा खोते ज्यादा लूक पार्टी मं शामिल सपदन।
यन गुलानबी आजादन वर्करन मुखातिब सपदित वो ये जम्मू हूं खसूसी दर्ज खत्म करने वज मरकजी सरकार तरफ जम्मू हंद लूकन सैया वाद कर आम ताहम जमीनी सूरत हाल यह जम्मू मज रोजन वो लूक मुश्किल मज हम तो मरकजी सरकार तरफ छ लूकन हंद मुश्किल दूर कर हवाल कह संजीद कदम तुलने और जो बुनियादी हमारे हुकूक चाहे वो जमीन पे हमारा हक था या नौकरियों पे हमारा हक था जो महाराजा के वक्त से था और मुख्तलिफ हुकूमतों में वो जारी रहा वो हमारे हुकूक भी खत्म किए और उसके साथ साथ ही पिछले गुज़िश्ता 6 महीनों से हम रियासत में जो हालात देख रहे हैं हमारी जमीनें छीनी जा रही हमारे मकान छीने जा रहे हैं हमारी स्टेट तो छीनी गई 370 छीना गया लेकिन अब हवा से हमारे घर भी और हमारी जमीनें भी छीनी जा रही एक तरफ से हमारी बेकारी और बेरोजगारी एक तरफ से गुज़िश्ता 35 सालों की लड़ाई मिलिटेंटों के साथ एक तरफ से लाखों हमारे बच्चे इस दुनिया से गायब हो गए कुछ इनकाउंटर में मारे गए और कुछ मिलिटेंटों के हाथ मारे गए हमारी हजारों बेवाएं हमारी बहनें बेटियां हैं इन हालात में जो हम बस रहे हैं और बसर कर रहे हैं अपनी जिंदगी मायूसी की गुर्बत उसमें अगर हमें जमीन से और घर से भी महरूम किया जाए तो इसे जीना नहीं कर इसीलिए यही वजह है कि मैं मुल्की सियासत को छोड़कर रियासती सियासत में दोबारा आया कि यहां इस वक्त हमारी रियासत के लोग चाहे वो सूबा जम्मू के लोग हों जम्मू कश्मीर सूबा के लोग हों हमारे देहातों के लोग हों शहरों के लोग हों कस्बों के लोग हों साउथ कश्मीर के लोग हों नॉर्थ कश्मीर के लोग हों सेंट्रल कश्मीर के लोग हों चिनाब वैली के जो रूम लोग हों वो जम्मू सेंट्रल जम्मू के लोग हों पीर पंजाब के लोग हों जिस मुसीबत से गुजर रहे हैं इसमें इस वक्त हमारा काम है कि हम उनका हाथ बढ़ाएं खान साहब आरिगाम बड़गमस मे आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ कन्वेंशन सांस कर आमुत यथ पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्ला अली महमद सागर अब्दुल रहीम रतर तो दोमो लीडरों अलव वर्करन हंद बड़ तदाद शिरकत कर अत मौक पे पार्टी मामलन तो मौजूद सूरत हाल हवाल कथन दल दिन उमर अब्दुल्ला मरकजी सरकार नुक्त चीनी करान वोमुत जोदव मरकजी सरकार तरफ जम्मू मज खुशहाली हंद बड़ दाव कर ताहम सरकार को फैसलों सम लू मुश्किल मज हम ये जन तमो एस एस बी इम्तहान जिक्र कर नौजवान रोजगार फराहम कर बजाय तिथ फैसल नीन यम सौजवान सड़कन पे यस मजबूर सपूदमुत ये जन उमर अब्दुल्ला अत मौक पे लूकन वो तम ग नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी मजीद मजबूत बना बाप पार्टी मज शामिल सपदन युद्ध जन जम्मू मज खुशहाली तो तमीर तरक्की हूं नव दौर शुरू कर बीजेपी से बहुत खुश है असलियत तो हमारे सामने है पिछले दिनों जब ये एसएसआरबी के खिलाफ वहां पे एजिटेशन हुआ आम तौर पे लोग वहां पे निकले और उन्होंने बीजेपी को मजबूर किया कि अपने ही एलजी के खिलाफ जो है
वो बयान देना शुरू कर गए। हर लिहाज से उन्होंने जम्मू कश्मीर को जो है तबाह और बर्बाद किया हुआ है। तभी तो हम कहते हैं ना आपके, अगर हमने इस मुश्किल इस दलदल से निकालना है, सबसे पहले तो हमने अपनी जमात को मजबूत करना है, क्योंकि हम ही लोग हैं जो इस बीजेपी के कारवां को रोकने के लिए निकले हुए हैं। हम सियासत बीजेपी की मदद करने के लिए नहीं कर रहे, हम सियासत बीजेपी को रोकने के लिए कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो जुल्म हमारे साथ हुआ 2019 में, उसका हम हिसाब किताब बाकी बराबर करके जम्मू कश्मीर को दोबारा वो दर्जा दे जो हमसे छीना गया था 2019 में। मैं तो एक तरफ से कहता हूं, वो जो बीजेपी की वो बी टीम है, मुबारक करता हूं उनको कि कम से कम उन्होंने सच बोला, कम से कम उन्होंने इतना तो कहा कि उनको वोट देना और बीजेपी को वोट देना वो एक ही बराबर है। वो निकले हैं बीजेपी की मदद करने के लिए, हम निकले हैं बीजेपी को रोकने के लिए, फर्क इतना ही है। अब लोगों को फैसला करना है, जब फैसला करने का वक्त आएगा, क्या हम मौजूदा हालात से मुतमाइन है या नहीं है। अगर हम मौजूदा हालात से मुतमाइन है तो बीजेपी की मदद करते रहे, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जुल्म रुके, अगर हम चाहते हैं कि अपनी जमान ये जमीन जो है हम बचाएं, अगर हम चाहते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स को रोकें, अगर हम चाहते हैं कि यहां पे नौजवानों के लिए हम रोजगार के दरवाजे खोलें, अगर हम चाहते हैं कि 2019 में जो हमारे साथ नाइंसाफी हुई, उस नाइंसाफी को हम दोबारा एक इंसाफ में तब्दील करें, उसके लिए फिर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करना होगा, जिला भट्ट साहब जो है उनके हाथ मजबूत करने होंगे। यबर उमर अब्दुल्लान जरा ब्लागस सत कान वोमुत जम्मू मज इंतखाब अमल मज अन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कम तो ये वजह आल पार्टी वफदन इलेक्शन कमीशनस समखन फैसल कर्मुत। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन अपोजिशन के अलावा और तो कोई है ही नहीं, हुकूमत से मिलने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये लोग तस से मस नहीं, ये लोगों को सिर्फ परेशान करना चाहते हैं। और जब हमने कभी गवर्नमेंट से मिलने की कोशिश की, गवर्नमेंट ने हमें टाइम दिया नहीं, तो अब हमने मिलना ही बंद कर दिया, कोई फायदा नहीं। अब हम आप लोगों के जरिए जो है अपनी बात उन तक पहुंचाते हैं। बहुत लोग बंद हैं, आप सिर्फ इंजीनियर रशीद की क्यों बात करते हो, बहुत से ऐसे बंद हैं। हम तो चाहते हैं कि सारे रिलीज हो जाएं, इतने नौजवान हैं जो बंद हैं, हम चाहते हैं कि वो सारे जो है अपने घर वापस आ जाए। इसलिए तो मैंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर से पीएसए का कानून, हम कोई धोखा नहीं दे रहे ना, कैसे धोखा दे रहे हैं, कहां धोखा दिया हमने, जैसे हम कहते हैं वैसे हम करते हैं, वो जरा बताएं ना हमने कहां पे धोखा दिया, कहां पे हमारे कहने और करने में फर्क रहा। वो यही लोग हैं ना अब जो खुलेआम और बंद कमरों में बीजेपी की मदद करते हैं। हम तो खुलेआम कहते हैं ना कि हम बीजेपी को रोकने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि यहाँ बीजेपी की हुकूमत बने, ये हमारा जमहूरी हक है बीजेपी की मुखालफत करना, हम कर रहे हैं, हम अपना हक अदा कर रहे हैं यहाँ पे और अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। शुक्र है देर आए दुरुस्त आए अकल आई इनको, लेकिन पहले हमें ये बताएं ना अब एपटेक को लाने की क्या मजबूरी थी, इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए, ये किसका फैसला था एपटेक को यहां लाना, क्या इश्तिहार हुए, क्या उन्होंने किसी एप्लीकेशन के तहत आए, क्या उन्होंने कोई टेंडर डाला, आपने कैसे इनको अपॉइंट किया, क्या अपॉइंट करते वक्त आपको पता नहीं था कि बाकी मुल्क में इनको ब्लैकलिस्ट किया गया है, इसमें जरूर कहीं पर धांधली हुई है। जुम्मिस मज आज पीडीपी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस कर आमुत या दौरान पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती वो वरी जिसास कुनवू पे जुम्मिस मज लूक मशी बदली हिंद शिकार सपदमित तो लूकन सत कर आमुत वाद चोजन तमो मंदर गसन किस सवाल जवाब दिवान वो गंगा जमनी तहजीब बरकरार थाने बापत तम मंदरस मज हाजिरी दिम। उसमें मैं क्या देखूं, जब से ये गवर्नर साहब आए हैं जो नौकरियों से लोगों को निकाला जाता है, नौकरी किसी को दी नहीं जाती है, बल्कि जब नौकरियों के लिए बच्चे हमारे पढ़ लिख के मेहनत करके एग्जाम देते हैं उसमें दादलियां होती हैं, तो ये तो मुझे लगता है रिकॉर्ड बनेगा इस गवर्नर साहब का जितने लोगों को ये नौकरियों से निकाल रहे हैं। नहीं, डबल स्टैंडर्ड की क्या बात है इसमें, हम एक सेक्युलर मुल्क में रहते हैं जहाँ गंगा जमुना तहजीब है, वहाँ हमारे जो यशपाल शर्मा ने वो मंदिर बनाया है और उनके बेटे चाहते थे मैं अंदर जाके देखूं, तो मैंने मंदिर देखा जो उनने बनाया, बड़ी मेहनत से बनाया, बड़ा पुंछ वालों ने बहुत दिल खोल के पैसा दिया है, और उसके बाद वहाँ किसी ने मेरे हाथ में बड़ी श्रद्धा से पानी का लोटा रख दिया कि आप इस पे डालिए, तो जब कोई इतनी श्रद्धा से इतनी प्यार से आपसे कोई बात करे तो आप तो उसको दिल तो नहीं तोड़ेंगे, नहीं मैं नहीं डालूंगी,
तो उन्होंने कहा तो मैंने डाल दिया। लेकिन वो तो बहुत बुरा है, पर हमारे यहाँ तो लोग मिनिस्टर्स, एक्स मिनिस्टर्स, होम मिनिस्टर, उनको अरेस्ट करके जेल में डालते हैं, तो ये तो मसला तो कोई मुझे लगता है डिफरेंट नहीं है। अगर वहाँ पर इमरान खान को वो बंद करना चाहते हैं जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है, आपको याद होगा नरसिम्हा राव जी वो भी जेल गए हमारे यहाँ, और ये तो कानून की बात है, मगर हमारे यहाँ तो इस वक्त जो हो रहा है, जो ईडी और सीबीआई का जिस तरह से गलत इस्तेमाल हो रहा है, जो अपोजिशन के लीडर्स को जेलों में डाल दिया जाए, जैसे सिसोदिया की बात करें, ये जो के कविता की बात करें जिसको बुलाया गया है, ये लालू प्रसाद यादव की बात करें, शिवसेना के जितने भी अपोजिशन लीडर हैं उनको जेलों में डाल दिया जाए। कांग्रेस पार्टी तरफ आज हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा सवाल अगलर पुलवामिस मं तकरीब हूं सांझ कर आमुत यथ पार्टी हंद रियाती सदर वकार सोलवानस अलव दोमो लीडरों तो वर्करों शिरकत कर अत मौक पे ये पार्टी हंदिस हकस मं नारबाजी कर वकार सोलवान अत मौक पे वोनमुत अमि यात्रु मकसद जो भारत जोड़ो यात्रा दौरान इन मुद्दन कुन जोन फिर कोशिश कर आये तम मुद लूकन तम वातन युद्ध ज्यादा खुद ज्यादा लूक कांग्रेस पार्टी हंद हिस्से बनन। देखो अपोजिशन पार्टीज़ की मीटिंग हुई जम्मू में कुछ दिन पहले, तो वहाँ डिसाइड हुआ कि जो जम्मू कश्मीर है यहाँ अब नौवां साल हो गया, ना कोई इलेक्शन है, ना कोई हमें स्टेट वापस दे रहा है, और पूरे स्टेट में अफरा तफरी का माहौल है। कभी लोगों पे डोजर चल रहा है, कभी प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है, कभी हमारे स्टूडेंट्स जो SSB के थे उनके ऊपर लाठी चल रही है, और बहुत सारे मुद्दे जम्मू कश्मीर में हैं। यहाँ अन डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है नाफिस किया गया है, इमरजेंसी लगी हुई है, कोई पूछ नहीं है, आम लोग जो है बहुत परेशान हैं। तो इसलिए वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबरा फारूक साहब जिसकी सदारत में मीटिंग हुई, मैं भी साथ में था, PDP के भी लोग थे, CPM भी थी, सब पार्टियाँ थी, शिवसेना थी, सबका ये जॉइंट डिसीजन हुआ कि आने वाले दिनों में हम एक तो अपोजिशन पार्टी से दिल्ली में मुलाकात करेंगे, उनसे दरगाह करेंगे कि वो हमारी लड़ाई लड़े। 14 के बाद कोई इलेक्शन ही नहीं हो रहा है और सरकार कह रही है हालात ठीक है, दूसरी चीज़ें हैं, तो अगर हालात ठीक है तो इलेक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं। को बैकफुट पर सरकार आई, जब पूरा अनएम्प्लॉयड यूथ सड़कों पर उतरा, पूरी अपोजिशन सड़कों पर उतरी, हम सड़कों पर थे। अभी हमने परसों इतना ज़बरदस्त घेराव किया राजभवन को, और उसको लेके वहाँ उसमें SSB का भी मुद्दा था, तो नेचुरली सरकार को हटना पड़ा, सरकार को माफ़ी लेनी पड़ी और सरकार को हटना पड़ा। सरकार को ये कह रहे हैं हम कि इमिजिएटली उस ब्लैक लिस्ट कंपनी को निकाला जाए, किसी रेपूटेड कंपनी को लाया जाए और फ्री एंड फेयर मैनर में ये जो है एग्ज़ाम लिया जाए, ताकि हमारे जो स्टूडेंट जो बेरोज़गारी इस वक्त 9 साल से कोई रिक्रूटमेंट ही नहीं हुई, और कभी ये लाख नौकरियों की बात करते थे, फिर इनका सत्यपाल मलिक 50,000 नौकरियां बोलता था, कल गवर्नर साहब बोल रहा था मैं एक साल में 10,000 लोगों को नौकरी दूंगा। तो सारा जो है कागजी मसले हैं, ज़मीनी सतह पे जो लोग हर साल हर इलाके में सैकड़ों लोग रिटायर हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर कॉलेज कंट्रेक्चुअल टीचर्स एसोसिएशन तरफ आज श्रीनगर में एहजाजी मुजाहरे करना आमुत, यह दौरान एहजाज में शामिल टीचर इंसाफ फराहम करनी मांग करान। एहजाज में शामिल वस्तादों तरफ वन आमुत यदवे अदालत तरफ तिंदिस हकस में फैसला दिनाव, ताहम चे इंतजामिया तरफ अमे बावजूद मनमानी करने यवान, यमकिन तिम एहजाज करनस पे मजबूर सपद। एहजाज में शामिल वस्तादों तरफ LG इंतजामिया मांग करना आमुत जिन मसल अंजरान सवाल गन संजीद कदम तुलने यन युत जन तिम बुथन वल मुश्किल दूर कर। हमारा सिंपल मसला है कि हम 2015 से कोर्ट आर्डर्स पर काम करते रहे, यहाँ 2019 और 2020 में सरकार ने उनको अल्टर करने की कोशिश की डिपार्टमेंट ने, और अनफॉर्चुनेटली उस दौरान कोरोना हुआ और हमें कोर्ट में सही वक्त पर जाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि कोर्ट में प्रोसीडिंग्स नहीं चल रही थी, उन्होंने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया। आज हालत यह है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स की वायलेशन में, हाई कोर्ट ऑर्डर्स की वायलेशन में एक नई नोटिफिकेशन जारी की, नई एडवर्टाइजमेंट जारी कर दी, और नए जो एडवर्टाइजमेंट की नोटिफिकेशन ने जारी कर दी उस पर हाई कोर्ट ने 3 सिटे लगाए। 3 सिटे लगाने के बावजूद आज 16 तारीख को पहली बार
नोडल प्रिंसिपल और डायरेक्टर कॉलेजेस इतने खोगर हुए हैं, उन्होंने उस 3 सिटी ऑर्डर को वायलेट करके उनको खातिर में नलाए हुए आज वहाँ एसपी कॉलेज में नए लड़कों की नई एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक जो ऑलरेडी कोर्ट ने स्टे की है 3 सिटी ऑर्डर्स के तहत, और उसके बावजूद वो आज नए कैंडिडेट्स की काउंसिलिंग कर रहे हैं। हमें कोई एतराज नहीं है, ये 200 या 300 या 400 लोग हैं, इनको 1700 लोगों को अपॉइंट करना है, लेकिन सबसे पहले इनको कोर्ट ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करके उन 400 लोगों को वापस लेना था जो 400 लोग ऑलरेडी कोर्ट ऑर्डर्स के तहत। श्रीनगर लिया कौमी वात ये शीन पेन पत पत्म दौन रेतन आमद रफ्त बाप बंद बीआरओ तरफ वत पे शीन तुलित वात काबिल आमद रफ्त बना आम दौरान आज जोजिला जाय तकरीबी सांस करना आव यथ मज बीआरओ फौज तो सिविल इंतजामी को अफसरों अलावा दोमो लूको शिरकत कर अत मौक पे ये बीआरओ तो सिविल इंतजामी के जिम्मेदारों तरफ वन आव ज आज आई वात आमद रफ्त बाबत बहाल कर इन वाल अकिस दोन दोहन मज यी बाजत पुट आम गाड़ियन ते इनु गस्नु इजाजत दिन प्रोजेक्ट की ओर से आपको इस बात का आश्वासन दिलाना चाहता हूं। में उनको मेंटेन करने के लिए एयरक्राफ्ट से हमें सामान लेके जाना पड़ता है, उनका एम्यूनिशन रसद खाना पीना सब कुछ। तो जल्दी खुलने से क्या होता है कि 150-160 दिन जैसे पहले बंद रहता था तो सारा भाई एयर सपोर्ट होता था, उसमें पैसा भी बहुत लगता है और एफर्ट भी बहुत लगता है। उसको कम करने से हम हर रोज 7 करोड़ रुपए गवर्नमेंट से बचाते हैं और एक वर्किंग सीजन में कम से कम नहीं तो 400 से 450 करोड़ का उसी में बचत होता है केवल पहुंच के लिए। तो वो बहुत बड़ा हमारे लिए एक सेविंग है। दूसरा, कभी भी किसी भी मुकाम पर हमें जरूरत पड़े फौज को उधर भेजने के लिए ज्यादा ट्रुप, तो पास खुलने से जल्दी हमारी सारी मशीनरी टैंक्स गन्स जहां पर भी हम पहुंचाने वो जल्दी पहुंच सकते हैं, वो पहला सबसे बड़ा फायदा है सामरिक दृष्टि से। दूसरा, सोशो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे लद्दाख के भाई बहन हैं वो बिल्कुल 6 महीने के लिए बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं, उनका ट्रेड कॉमर्स भी बंद हो जाता है, मेडिकल भी बंद हो जाता है, एजुकेशन पे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो उसमें पास को जल्दी खोलने से वो लोग सीधा कश्मीर आ सकते हैं, जो हमारे द्रास में और कारगिल में लोग भाई हैं वो लोग यहाँ पर जल्द आ सकते हैं, तो उनके ट्रेड के ऊपर बहुत अच्छा पॉजिटिव असर पड़ता है इस पास को जल्दी खोलने से। सर इस बार सुनो, ये जैसे ही हमने इस बार, जैसे आप सब लोगों को ज्ञात है कि 6 जनवरी तक हमने दूसरा को खोल के रखा और हमारे ट्रैफिक दोनों तरफ से चलते रहे। उसके बाद में फरवरी के अंदर हमने ये डिसीजन लिया क्योंकि ये एक बहुत ही रिस्की एक्टिविटी होता है कि उसको खोलना और उसमें सेफ्टी रखना और हमारे किसी भी जो हमारे कर्मयोगी हैं उनको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए, कोई चोट चाट नहीं लगनी चाहिए, कोई उसमें हादसा नहीं होना चाहिए। तो वो सब करते हुए हमने प्लानिंग किया, दोनों तरफ के चीफ मिनिस्टर को बुलाया, उनसे बातचीत की और एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इसको शुरू किया और आज आप देख पा रहे हैं कि वो पूरा ऑपरेशन खत्म हो गया है और हमारा जो ट्रैफिक है आज से शुरू हो जाएगा। फौज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यही एक रोड है जो लद्दाख को आज की डेट में खुला हुआ है और कनेक्ट करता है, अगर जो कश्मीर वैली से और दूसरी तरफ से मनाली से जो बारला लाचुंगला और टंगांगला से जाता है वो अभी खुला नहीं है, उसको भी हम बहुत पहले खोल रहे हैं। जो सिविलियन के लिए बहुत जल्दी अलाउ कर देंगे, दोनों स्टेट का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, उनसे बातचीत करेंगे, वो इसको सेफ्टी देखेंगे, अपने ट्रायल कॉन्वॉय चलाएंगे और जल्दी से जल्दी मे बी 3-4 दिन में इसको खोल दिया जाए। मेरा नाम फयाज अहमद भट्ट है, मैं एज मेट 122 में काम करता हूँ। 66 दिन के बाद हमने ये रोड खुलाया, हमको बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हमने बहुत मेहनत से इसमें काम किया, इसमें हमारे जेई लोग हैं, लेबर है, ऑपरेटर है, मेट है, सब ने बहुत मेहनत किया तब ये रोड 66 दिन के बाद खुल गया। शुक्रिया। मेरा नाम गुलाम असगर, मैं तहसीलदार द्रास। वो आज हमारे श्रीनगर करगिल शाहरा जो है वो 6 जनवरी के बाद बंद था, तो आज 16 मार्च को हमारे बीआरओ के जितने भी ओसी एई ऑपरेटर और लेबर थे उनकी मेहनत और यहाँ के विधायक के ओसी ऑपरेटर और उनके लेबर की मेहनत की वजह से आज ये रोड जो है कनेक्टिविटी हो गया, बर्फ़ रोड से बर्फ़ हटाने का काम मुकम्मल हो गया। तो विधायक और बीआरओ वालों ने ज़्यादा टाइम ज़ाया न करते हुए जो ही रोड से बर्फ़ हटाने का काम मुकम्मल हो गया तो
गाड़ियों की आमद रफ्त के लिए हमें मुहैया किया, तो मैं दोनों एजेंसी बीआरओ और विजायक के आफिसर उनके। तो नाजरीन इस वक्त कोशिश खबरनामा दी इजाजत, खुदा सवाल।